झारखंड की उपराजधानी दुमका में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। रांची में भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। नई सरकार आने के बाद पूरे राज्य में 1300 के करीब दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी है। 8 तारीख की रात में दुमका में एक आदिवासी महिला के साथ 17 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके साथ ही साथ इस घटना के साथ पूरे प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म अत्याचार की घटना जो बढ़ोतरी है, इसके खिलाफ में आज एक दिवसीय धरना दिया गया। सरकार के 1 साल हो रहे उपलब्धि आपके सामने है। ये कहते तांडव, अपराधियों का तांडव की सरकार है, महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार की को बढ़ावा देने वाली सरकार है। महिलाओं पर विशेषकर जो जिस आदिवासी के नाम पर अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी कहती है, उस हितैषी के नाते आज सत्ता पर काबिज है, तो वैसे महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो वैसे घटनाओं को न रोक पाने वाली सरकार है। वही पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए हेमंत सरकार को दुष्कर्मियों और अपराधियों का संरक्षक बताया है। पर्सन पे डिपेंड करता है। आप देखते रहे होंगे 2000 के बाद सरकार में एनडीए की जो सरकार आई थी, उस समय भी तो आदिवासी मुख्यमंत्री ही थे, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती थी, घटनाएं होती है, लेकिन कहीं इक्के दुक्के होता है तो बात, लेकिन यहाँ पर लगातार उन्हीं के क्षेत्र में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हो रहा है, दुमका के क्षेत्र में हो रहा है। और ऐसे समय में ये कहना कि आदिवासी महिलाएं कोई भी हो जिसके साथ दुष्कर्म होता है, तो सारे समाज शर्मसार होता है, सारी महिलाएं शर्मसार होती हैं। और ये घटना यदि किसी के साथ भी हो, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी कि ये आदिवासी महिलाएं जहाँ से क्षेत्र, जिस क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं, उस क्षेत्र में ये लगातार हो रहा है, तो इसका ये इस बात पर मैं बल देना चाहती हूँ कि जो भी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वो खुले साढ़ की तरह घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरी सरकार है, तो ऐसे समय में सरकार को तुरंत चाहिए कि कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई हो, और ऐसे जघन्य अपराध के लिए उन्हें जो मैक्सिमम अगर पोस्ट लगा के उन्हें मौत की सजा दी जाए तो ये भी कम हो। साथ ही उन्होंने महामहिम राज्यपाल के समक्ष इस गंभीर मुद्दे पर गुहार लगाने की भी बात की।